कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार बताया। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी, क्योंकि आज बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। हरीश रावत ने कहा कि एक तरफ अडानी अंबानी रातों रात अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। इस दौरान हरीश रावत ने काशीपुर की 8 समस्याओं को लेकर भी अपनी बात रखी, जिसमें 7 साल से बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज, तहसील में सर्किल रेटों का 400 गुना बढ़ना, सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव, शुगर फैक्ट्री का बंद होना, सीतापुर आँख का अस्पताल बंद होना, सड़कों में नेशनल हाईवे 309 का टूटना, काशीपुर शहर की जल निकासी की समस्या और उद्योगों के बंद होने से बेरोजगारों को बाहर जाकर काम करने जैसी समस्याएं शामिल रहीं। हम कह रहे हैं जहां जो अवैध है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन लेकिन उसके लिए जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पानी नहीं मिल रहा है, जंगलों में आग लग रही है, गरीबी अलग है, दूसरे सवाल खड़े हैं, लोगों की पेंशन नहीं मिली है, बच्चों की छात्रवृत्तियाँ नहीं मिली है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोरोना दस्तक देने लग गया है, भाई इनसे मत बचो। ये तो ऐसा है, भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सड़क में गड्ढे, घर में बिजली गायब, नल में पानी नहीं, चूल्हे में जलाने अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, सब्जियां इत्यादि इतनी महंगी हो गई है। इसलिए सारी भाजपा कह रही है हे मजार, तू ही मेरी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। इसलिए आजकल मजार 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 हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, जिला स्तर का है, उसी में जो है आए और डॉक्टर भी रख देते, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है, और दूसरी चीज़ों के भी डॉक्टर नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। चीनी मिल के गन्ना किसानों के को आप कुछ नहीं है, 10 रुपया पर क्विंटल बोनस दे दूँ। जब दुनिया में चीनी का रेट इतना बढ़ रहा है, तुम्हारे चीनी के मिल मालिक मित्र जो है वो खूब कमा चुके हैं, तो आप 10 रुपया जो है चीनी में किसानों को, 10 रुपया कल 10 रुपया नहीं तो 400 रुपये क्विंटल चीनी का मूल्य, गेहूँ का मूल्य ना, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, तो कम से कम वो दे दो। देखिए जो किसानों का बकाया है, जैसा हमने निर्णय किया था कि किसानों का बकाया राज्य सरकार का, आपने निर्णय किया वो कैबिनेट फैसला है, हमारी सरकार चली गई, इसका अर्थ ये थोड़ी सरकार है, तो गवर्नेंस इज ए कंटिन्यूएशन, गवर्नमेंट गई, केवल चेहरा गया, हरीश रावत गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत आया, लेकिन इसका तो कायम रहता है, तो उसको उसका उसका भुगतान करिए। उसी तरीके से जो यहाँ पर जल निकासी पानी भराव, यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है, हमारी कांग्रेस ने यहाँ एक उद्योग लगाए, आज उद्योग बंद हो रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है सब लोगों के लिए। और यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। अब एक सवाल सर्किल रेट भी बढ़ा दिए जमीन, हालत ये है कोई मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का आदमी थोड़ा यदि कुछ बनाना भी चाहे, कोई पैसा वैसा बचा रखा हो, तो अब वो मकान नहीं बना, मकान नहीं जमीन नहीं, सारे सवाल थे काशीपुर के। मैं इनको भी आपकी नज़र कर